संपन्न है, लेकिन सब भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहां भी चार दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। ये हमारी विरासत है जिस पर हर भारतीय गर्व करता है।
पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारे महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब ने कैंप के पुलिस बच्चों को कहा था, जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है, मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वर्षों में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर हैं। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे। और पोलैंड के साथ जो भारत के राजनयिक संबंध हैं, उसके 70 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
ये दो दिनों का दौरा। महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या मराठी संस्कृतीच्या प्रति पोलंडचे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सम्मान आहे। मराठी संस्कृतीत मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने बलिवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सलेंस और एम्पथी के लिए जाना जाता है। हम दुनिया में जहां भी जाते हैं, हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट्स से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपकी बात बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं।